संगम की रेती पर कायाकल्प हेतु किया जाने वाला तप कल्पवास कहलाता है। यह व्रत पौष पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु कल्पवास का विधि विधान से संकल्प लेते हैं। वे तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में माँ गंगा, नगर देवता वेणी माधव और पुरखों का स्मरण कर व्रत शुरू करते हैं। महीने भर जमीन पर सोते हैं। पुआल और घास फूस उनका बिछौना होता है। बदन पर साधारण वस्त्र और हाथों में टीवी के रिमोट की जगह धार्मिक पुस्तकें होती है। तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा, वेणी माधव एवं पूर्वजों का स्मरण कर त्याग तपस्या के 21 नियमों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में बने अपने अस्थाई झोपड़ी या तंबू के दरवाजे के पास ये कल्पवासी बालू में तुलसी का बिरवा लगाते हैं और जौ बोते हैं। सुबह स्नान के बाद यहाँ जल अर्पित करते हैं। सुबह और शाम को यहाँ दीपक भी जलाते हैं। कल्पवास समाप्त होने के बाद वापस जाते समय वह इसे प्रसाद स्वरूप अपने घर लेकर जाएंगे। कल्पवास करने वाले श्रद्धालु महीने भर रोज 3 बार गंगा स्नान और मात्र 1 बार भोजन करते हैं। किसी का दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करते। दान, यज्ञ पूजा अनुष्ठान और प्रवचन करने व सुनने का व्रत आरंभ हो जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने भी प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस यज्ञ के कारण यहाँ कुंभ का भी विशेष महत्व है, जो संगम की पवित्र रेती पर हर 12वें साल आयोजित होता है। इसी क्रम में आज भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर हर साल माघ माह में तंबुओं और घास फूस की झोपड़ियों का एक नया शहर बस जाता है, जो माघ मेला के नाम से जाना जाता है। हर 6ठे साल यही मेला अर्ध कुंभ और हर 12वें वर्ष कुंभ के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। आज कल्पवास हमारा पूर्णिमा लास्ट है। आज हम बहुत खुशी खुशी से पूरा महीना हम बिताया, भजन किया, कीर्तन किया, बहुत आनंद आया। माता ऐसे बुलाते रहे, आनंद हमको देते रहे, हम अपना गोदी में हमको खिलाते रहे, हम लोग आते रहे। यही हमारा गंगा मैया से प्रार्थना है। सब बाल बच्चा सर समाज हमारा खुशी सुखी रहे, हिंदुस्तान हमारा शांति रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग 4 तारीख को पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यहाँ कल्पवास करते हैं, माँ गंगा के गोद में निवास करते हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर हम बहुत दूर दूर से सभी श्रद्धालु आते हैं। आज हम लोग स्नान करके यहाँ से पूर्णिमा के अवसर पर अब घर को वापस होंगे हम लोग।